सात दिनों के अंदर में आप लोगों ने बड़ी अच्छी प्रकार से कथा को श्रवण किया है और हम लोगों ने भी भरपूर अपना प्रयास किया है, आपको कथा सुनाई है। सात दिनों के अंदर में अगर हमसे कोई गलती बनी हो तो हमें छोटी बहन समझ करके माफ करना। अगर अन्य जलवदा होगा तो आप लोगों के समक्ष पुनः आएंगे, नहीं तो अंतिम राधे कृष्ण हमारी स्वीकार करना। लेकिन भैया सभी परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतना भव्य प्रोग्राम करवाया है। जल से धर्म से
से जो ढोलक पर सम्मति कर रहे हैं, विशेष शास्त्री जो ये गिरोर से हैं, बड़ा पर सम्मति कर रहे हैं, चिमटा पर सम्मति कर रहे हैं, अवधेश ये खोजावास से है, मेरे पास में पंकज बैठा है वो नगला लक्ष्मण से है, कैमरा चला रहे हैं अंशुल जो हरुकावास से है, और हमारे पास में अवनीश जी बैठे हैं जो मैनपुरी से हैं, मैं भी मैनपुरी से हूँ। बहुत अच्छा लगा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इतना काम होने के बावजूद भी आप करके कथा को श्रवण किया है, और अन्य जलवदा होगा तो आपके समक्ष पुनः आएंगे। मैं अपने परीक्षित जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने इतना भव्य प्रोग्राम करवाया है, आज दिन तक जैसा सहयोग कथा में दिया है इसी प्रकार से कल भंडारे में भी सहयोग देना है, क्योंकि ये बड़े कार्य हुआ करते हैं, किसी एक के करने से नहीं होंगे, इसलिए निवेदन है जितना भी हो सके आकर के और इस कार्य को संभालें। बोलिए गोविंद भगवान की, सभी खड़े हो जाएं और